سلام هي حتى مطلع الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين الكرام برنامج مطالب الفرقان كساد وقار احمد وقار حاضر خدمت ہے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته रजन कराम पिछले दर्स में हम सूर बकरा की आयत नंबर तीन का मफहम समझ रहे थे और बात को वहीं से शुरू किया जाएगा जहाँ से वो मुन हुई थी और बात चल रही थी ला लाआलम की कि इंसानों की मुस्तबिल के मतलब खुदा के अलावा कोई कुछ नहीं जानता कोई ज़रा सा अपना इल्म अगर खुदा किसी को देता था तो वो रसूल को वहीं के ज़रिए देता था खुद रसूल अपनी जाती हैसियत के अंदर भी गैब का इलम नहीं रखता था अजान आप सोचिए कि ये जो हमारे यहाँ अब आए दिन दावे होते रहते हैं और ये दावे होते चले आ रहे हैं ये पेशन गोयाँ हैं बुजुर्गों से भी तो आपके यहाँ यही कुछ होता आया है वो आपके मुस्तबिल के मुतल ये बातें बताते हैं देखिए कुरान है, के मानने वालों के लिए यह अक़ीदा क्या है वो कहता है कि खुदा के अलावा कोई शख्स मुस्कबिल के बारे में नहीं जानता खुदा अपने इल्म ही से किसी को जो देता था उसे रसूल कहते थे वो वही के ज़रिए देता था लिहाजा अगर कोई शख्स इसके बाद ये दावा करे कि मैं इंसानी ज़िंदगी के मुस्तबिल के मुतल साइंस की रूह से नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मुस्बल के मुतल कोई चीज़ कह सकता हूँ पैशन गोई कर सकता हूँ तो या तो वो दावा वही करेगा वह रसूल का दावा करेगा और अगर ये दावा नहीं है तो फिर यह चीज़ गलत है कुरान की रूह से गैर अजनबी के लिए वही के अलावा किसी चीज़ के मुतालिक पेशन गोई कर देना मुमकिन ही नहीं मैं ये इंसानी ज़िंदगी के मुताल कह रहा हूँ साइंस की लेबॉरटरी में बात कुछ और है आपने गौर फरमाया कि अपने मकाम से अपने मकाम से हिला हुआ जरा सा अकीदा कहाँ से कहाँ ले जाता है और यह तवाम परस्तियाँ नहीं ये वहाँ रावी रोड के फुटपाथ पर बैठे हुए वो नजूमी होते हैं जिसे जाकर हम हाथ दिखाते हैं और किस्मतें मालूम करते हैं वो तो इंसान की मायूसी के आखिरी सहारे हैं जिनको हम तवाहम परस्ती कहते हैं इनके पास वो हाथ दिखाने को नहीं जाता जो अपने हाथ से अपने काम कर लेता है जाता वो है जिसका काम रुक गया हुआ होता है ये मायूसी के सहारे कोई इंसान किसी इंसान के मुतक फ्यूचर मुस्तकबिल की कोई बात नहीं बता सकता नहीं समझ सकता नहीं जान सकता अगर कोई दावा करता है तो वो वही का दावा होगा और ख़ुदा ने ये कहा है कि हम रसूल को सिर्फ वही देते थे हम सिर्फ़ रसूल को वही देते थे आज जो ये कहता है वो दावा नबूवत का होगा वो दावा रिसालत का होगा तो अगर कोई शख्स ये मानता है कि फ़ला हज़रत साहब मेरे मुतल इस किस्म की पेशन गोई कर सकते हैं तो याद रखिए वो उनको साहिब वही मानता है वो उनको नबी और रसूल मानता है मेरी बात की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशन गोई करता है तो ये दावा सिर्फ वो शख्स कर सकता था जिसको अल्लाह की तरफ से वही मिली हो तो अगर कोई आम आदमी किसी शख्स के मुतक ये गुमान या ये यकीन या ये अकीदा रखे कि ये शख्स ये फ़लाँ हज़रत साहब ये पीर साहब मेरे मुस्कबिल के बारे में कुछ भी जानते हैं तो इसका मतलब ये मानने वाला शख्स उस शख्स को रसूल या नबी मानता है और इसके बाद ख़त में नबूत टूट जाती है और अगर ये बात नहीं है तो फिर याद रखिएगा कुरान की रूह से ये दावा खुदा के लिए चैलेंज है खुदा कहता है तुम नहीं जान सकते वो कहता है मैं जानता हूँ बता सकता हूँ लिहाजा ग़ैब के मुतल ये जो इस कस्म की बातें करना है कुरान ने इनको रजबन बिल गैब सूरत नंबर अट्ठारह आयत नंबर बाईस कहा है यह अंधेरे में तीर तुक्का चलाते रहते हैं यह सब तीर तुक्के हैं क्या बात है कुरान की वो कहता है कि तवाहम परस्ती की बुनियाद इस पर है कि इत्तेफाकात से कुछ इस किस्म के बाज तुक्के भी लग जाते हैं याद रखिए है जानिमन ये जितनी बड़ी बड़ी मसंदें हैं और ये जितने करामात और पेशन गोईयों के दावे हैं ये महज चांसेस इतफ़ाक़ात की बिना पर है यहाँ इतफाक़ से कोई चीज़ ठीक हुई तो वो जो पहला यकीन था उसकी गिरा मजबूत हो गई ना होने वाली जो बातें हैं उनके मतलब तो कहते हैं कि वो तो तकदीर में ही ऐसा लिखा है वो तो तकदीर हुई होने वाली बात तकदीर की रूह से ठीक हुई और हज़रत साहब ने बता दी थी और फिर तो ऐसे ऐसे हज़रत साहब हैं जो तकदीरों को बदलते हैं उनका क्या कहना इनसे तो खुदा भी पीछे रह जाता है नाउसु बिल्ला तकदीर तो खुदा की मुकरर करदा होती है जनाब बहरहाल ये दूसरी लाइन आ गई आगे जब हम इस तकदीर पर आएंगे, तो वहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि क़ुरान की रूह से तकदीर क्या है यहाँ मैं इस वक्त सिर्फ़ गैब के मुतक़ अर्ज़ कर रहा हूँ फरमाया है कि यू मिनु बिल गैब सूरत नंबर दो आयत नंबर तीन ये उनके लिए रहनुमाई है जो रास्ता चलना चाहें उनकी पहली शर्त मंजिल का तयन है मसलन ये कि मैंने स्टेशन पर फला मकाम पर पहुंचना है किस रास्ते से चलूं यह तयन मंजिल दूसरी शर्त है यह आवारगी ना हो तीसरे ये हो कि वो चाहे कि रास्ता सीधा हो हमवार हो पेचोखब ना हो खतरात ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों की सदाकतों पर यकीन रखे जो अभी मशहूद होकर उसके सामने नहीं आए बसीरत और फ़िक्र की रूह से समझी जा सकती हैं कि बात यह है अनदेखे रास्ते के मुतालिक भी अगर समझाने वाला साहिब फ़िक्र हो समझने वाला इल्म रखता हो तो अनदेखे रास्ते के मुतालिक भी इस तरह से बात समझाई जा सकती है और समझ में आ सकती है फ़िक्री तौर पर यकीन हो जाता है कि बात ठीक कहता है ये है यु मिन बिलब सूरत नंबर दो आयत नंबर तीन और इस मकाम पर जैसा मैंने अर्ज किया है चूँकि ये इब्तदा हुई है और इससे आगे एक निज़ाम कायम कराना है कुरान करीम ने उन लोगों से कहा है कि ये वो पानियर्स अल अवलून हैं जो इस निज़ाम खुदाबंदी के अनदेखे खुशगवार नतज पर यकीन रख कर उस वक्त उठते हैं जब सारी दुनिया ये कहती है कि ये सिर्फ़ एक ही जमात है ये मजनून है ये उठते हैं दुनिया इन पर हंसती है कुरान में एक जगह आया है कि इनसे कहो कि आज तुम हम पे हंसते हो कल तुम देखना कि तुम पे सारी दुनिया हंसेगी अज्याने मन जब तक किसी कौम के अंदर ये पानियर्स अल अलवलून पैदा नहीं होते जो उस वक्त इस निज़ाम को लेकर उठें जब सारी दुनिया उनको पागल कहे और कहे कि यह निज़ाम कायम नहीं हो सकता और जब यह कायम ही नहीं हो सकता तो इसके दर्शनंदा नतज से दुनिया इस तरफ कैसे आ सकती है कुरान की सदाकतों को दुनिया को मनवाने का एक ही तरीक़ा है और वो यही तरीक़ा है जो चौदह सौ साल पेशर मोहम्मद रसूल व लदीन अब आहू संबर उनचास आयत नंबर उनतीस ने इख्तियार करके बताया ये बड़ी कोहकनी की मंजिल होती है और यही वजह है कि साबून अला के आला मदारज कुरान ने बताया अजान मन जब वो गंदुम एक सौ बीस मनफी एकड़ देना शुरू कर दे उसके बाद तो फिर हर किसान इसे बोता है मदारज इन्हीं के हैं जिन्होंने ये नतज अभी देखे नहीं थे लेकिन इस तरह से उनको यकीन आ गया था सारी दुनिया उनसे कहती थी कि पागल हो गए हो और इसके बावजूद वो अपनी धुन के पक्के थे इसमें लगे चले जा रहे थे याद रखिए ये खालस जज्बाती चीज़ नहीं थी जुनून हमने इसलिए कह दिया कि ये रिलेटिव टर्म इजाफी असलाह है बाकी दुनिया अपने मैार के मुताबिक उनको ये कहती थी कि इनको अपने नफा नुकसान का भी पता नहीं है दुनिया में ये सबसे ज़्यादा अकलो होश के मालिक थे कुरान में इनको उलबाब कहता है मोमिन को कहता है कि ये उलिलबाब होते हैं यही हैं एक तो अकल होती है और ये जो अलबाब है ये लबलबाब तो आपने समझ लिया हुआ है और ये वो लोग हैं जिनको वो असाबनल अवलून कहता है यह जज्बातीत की बात नहीं है यह है वो चीज़ जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यह है नहायत अंदेषो कमाल जुनू बताऊं तुझको मुसलमान की जिंदगी क्या है यह है नहायत अंदेशओ कमाल जुनू तो गौर व फिक्र की इंतहा के बाद अमल के मैदान में इस तरह से आना जैसे कि दीवाना अमल के मैदान में आता है इनका हर अमल अकल वत की इंतहाई गौरव फिक्र का नतीजा होता है ये जज्बा के ताबे नहीं चलते खाली जज्बा के ऊपर आदमी उठे तो वो क़ुरान की रूह से ईमान ही नहीं कहलाता और जो जज्बात पे उठे हुए होते हैं उनका कोई एतबार ही नहीं होता जज्बा ही तो हैं जो हर आन बदलते रहते हैं ये तो कामिल अक़ल विक्र के बाद किसी नतीजे पर पहुँचा हुआ इंसान है जो फिर वहाँ से हिल नहीं सकता ऐसे ईमान को कोई हिला नहीं सकता इसलिए यह भी समझिए कि मैंने अगर चार दफ़ा लफ्ज जुनू कह दिया तो इसमें आप वो दीवानगी न ले लें जो खालि जज्बात की पैदा करदा होती है ये कहिए कि वो फ़रजाना ब है दीवाना बकरदार सोच और समझ की दुनिया के अंदर बुलंद तरीन होश में फिर जाप काम करने पर उतर आए फिर वो दीवानों की तरह काम करते हैं ये होते हैं असाबून अस ब्रदनान अजीज ये हैं वलीना युमिन बिल ग़ैब जो फिर इस निज़ाम के अनदेखे नतज पर ईमान लाकर उस रास्ते पर चल निकलते हैं वो करते क्या हैं अब आगे वो निज़ाम आएगा जिसके कायम करने के लिए ये शर्तें ज़रूरी हैं वो निज़ाम है वीम असलात सलात मुनसलाफल मीमिकल किताबुल आरिवफ़ी हदलमती लज़ी युमिन बिल गैब और क्या निज़ाम आया व युमूनसलात सूरत मर्दों की आयतमरदी आप इन्हीं अल्फाज को लिखा हुआ पाएंगे कि सलात क़ायम करो सलात भी वो लफ्ज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ है इसकी जगह नमाज हुई कि नमाज कायम करो ये चीज़ हमारे यहाँ आई नमाज हमारे यहाँ एक मौजूद व मशहूद चीज़ है वो हम में से हर एक जानता है नमाज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ही नहीं है ये पुरानी फारसी का है जिसे पहलवी जुबान कहते हैं ये उस जबान का लफ्ज़ है और मजूसियों के यहाँ राज था। वो अपनी इबादत को नमाज कहते थे अगर किसी ने वो वीडियो बहुत वायरल हुई है देखी हो जो मशहूर ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने एक जगह पर इस नमाज के लफ्ज़ को नम आज़ के हवाले से बड़ी तफसील से बयान किया है आग के आगे बैठ जाना इबादत करना और, और रोना नमाज इसको इबादत को नमाज कहते थे आज भी ये जो पारसी हैं वो अपनी इबादत को नमाज कहते हैं ये उनकी जुबान का लफ्ज है बहरहाल लफ्ज से कोई बहस नहीं है अगर ये सही मफहूम का आईनादार हो तो लफ्ज का क्या है गवास को मतलब है सदफ से कि गोहर से लेकिन अगर अंदर गोहर ही ना रहे तो फिर वो सदफ बेकार हो जाती है वो यकीम उनलात में अकामा है कामा के मुतालिक इससे बेश्तर कह चुका हूँ जब मुस्तकीम का लफ्ज़ आया था इस दिन से रातलमस्तकीम में इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं कायम करना किसी चीज़ का ये तो आप समझते हैं इस्टैब्लिश करना ताकि उसको तमक्कुन हासिल हो वो करारगीर हो जाए कोई ऐसी चीज़ है जिसको इस्टब्लिश करना है मस्तक करना है असलात को मतमक्न करना है मैंने पहले दर्ज में ये कहा था कि जब ये चीज़ें आएंगी तो इसमें जल्दबाजी से काम न लीजिएगा नमाज़ पे मैं आऊँगा नमाज की अहमियत भी बताऊँगा ये भी बताऊँगा कि ये एक फरीज़ा है लेकिन इससे बेशतर एक बात सुन लीजिए सलात सिर्फ़ नमाज ही नहीं सलात इससे बहुत वसी चीज़ है इसके एक गोशे के अंदर ये नमाज भी आ जाती है सलात मोमिन की पूरी ज़िंदगी का पूरा प्रोग्राम है ये सिर्फ़ मस्जिद के अंदर महदूद नहीं ये ज़िंदगी के हर शोबे में हर सांस के अंदर है यानी मोमिन की ज़िंदगी का प्रोग्राम है एक प्रोग्राम तो वो है जिसे हम ख़ुद मत करते हैं एक प्रोग्राम वो है जो हम खुदा के बताए हुए उसूलों के मुताबिक मुरतब करते हैं उससे सलात कहते हैं असलात ये बड़े ग़ौर से सुनने की बात है इसलिए कि अब ये चीज़ हमारे जहनों में मौजूद है मुर्वज है ये जो इससे हटी हुई चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ इसलिए गौर से सुनने की चीज़ है तफसील तलब इसलिए है कि सारा कुरान इससे भरा पड़ा है कुरान की बुनियाद दो ही तो ट्रम्स असिला हैं अकामती सलात और इतए ज़क़ात। इनका मफहम आज ये सलात है सिर्फ़ ये पाँच वक्त के लिए जो आप मस्जिद में जितना कुछ कर लेते हैं और ज़क़ात सिर्फ़ वो है जो साल के बाद आप ढाई फ़ीसद निकाल कर दे देते हैं ये मज़हब की दुनिया की चीज़ है दीन की दुनिया में ये चीज़ें इनके अंदर आ तो जाती हैं लेकिन वो सारी यही नहीं है वो इससे ज्यादा फैली हुई चीज़ है तो पहले सलाद को लीजिए फिर इसके बाद जब जकवात आएगी तो वहाँ भी हम बताएंगे कि ये क्या है लव सलाद के अरबों की लगत की रूस से बुनियादी माने हैं किसी के पीछे पीछे इल्तज़ाम चलना तमस्क से चलना इनके यहाँ मुसल्ह लफ्ज़ था हमारे यहाँ तो मुसल बहर नमाज़ पढ़ने वाले को तो खैर के कभी कहते होंगे लेकिन ये हमारे यहाँ जो मिंडगमरी की बार के पहले से आबाद लोग थे वो मुसल्ली कहलाते थे अरबों के यहाँ मुसल्ली कहते थे रेस में उस घोड़े को जो पहले घोड़े के पीछे इस तरह से उसको दबाता हुआ चला जाए कि उसकी कनौतियाँ उसके शरीन के साथ साथ चल रही हों रहे तो वो उससे पीछे आगे तो ना बढ़े लेकिन दोनों में वो फ़ासला भी ना हो इतना फ़र्क़ तो रखे कि आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि इसमें और इस उसमें और इसके अंदर कोई तीसरी चीज़ हायल हो जाए आपको पता है कि आपने दुआ मांगी थी सुर फातिया में सूरत नंबर एक आयत, पाँच इस दिन सरात मुस्तकीम। और क़ुरान ने कहा था कि इनसे कहो इन् रबी अल अबी आला, आला सरात मुस्तकीम सूरत नंबर ग्यारह नंबर छप्पन तुम सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो और रब भी सिराते मुस्तकीम पर जा रहा तुम सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहते हो और रब भी सिराते मुस्तकीम पर जा रहा है पूछा है कि हम क्या करें कहा कि तुम मुसल्ली बन जाओ बात साफ हो गई आगे आगे वो जा रहा है पीछे पीछे तुम उसका इतवा करते चले जाओ आगे नहीं बढ़ सकते जान आप अरबों की लगत और कुरान का इंतखा देखिए कि एक मुसल्ली के अंदर कितनी कयामतें सिमट कर आ गई हुई हैं आगे तो बढ़ नहीं सकते लेकिन दोनों में बहुत भी नहीं हो सकता फासला भी नहीं हो सकता तो मुसलिफ वो है जो बरदरान अजीज अब खुदा तो इस तरह से महसूस शक्ल में मज़ल्ला किसी घोड़े पर तो नहीं आ सकता बात तो उनके यहाँ मशहूद समझाई जाती है ये क्या हुआ तो मुसलिफ़ वह हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे में कवानी खुदाबंदी के साथ साथ यूँ चलते हुए चले जाएँ कि उनमें और कवानी खुदाबंदी में कोई बौद्ध पैदा ना हो फ़ासला ना हो किसी कस्म की मघारत ना हो कहिए कि ये चीज़ ज़िंदगी के हर सांस के साथ करने की है या ख़ास वक्तों के ऊपर करने की है बाकी वक्तों के ऊपर यह नहीं अगर पाँच मिनट के लिए वो घोड़ा साथ हो और फिर उसके बाद तीन घंटे के लिए खुरली पर बंधा हो तो वो मुसली नहीं कहलाएगा उसे अरब मुसल्ला नहीं कहेगा साहब इस्लाम तो एक तरफ रहा और जब इस चीज़ को असलात कहा है कि कवानी खुदावंदी का इस तरह से हो, तो इसके लिए कहा सलात ये निज़ाम ज़िंदगी है इसे इस्टेब्लिश कायम किया जाएगा याद रखिए इस निज़ाम को ऐसे क़ायम किया जाएगा अब ये इनफरादी चीज़ ना रही क्योंकि यहां तो सीगी जमा का है फ़र्द तो निज़ाम कायम ही नहीं कर सकता ये हुआ क्या इसके माने हुए वो मुशरा जो कवानी खुदाबंदी और उसकी दी हुई मुस्तकिल इकदार के मुताबिक इस्टेब्लिश कायम हो इसके लिए आपको ज़रूरत थी उस निज़ाम के उन नतज पर यकीन रखने की जो अभी सामने नहीं आए उन्होंने ने भी लगाया लेकिन आएंगे ये किताब है रास्ता दिखाने वाली उस जमात को जो इस अजम को लेकर उठे कि हमने मौजूदा मुशरे की जगह वो मुआरा कायम करना है जिसमें कवानी खुदाबंदी राइज और नाफिज़ हो जिसमें हर फर्द उन कवानी के पीछे खुद ब खुद चलता जाए आज तो अगर आप इस कानून की एक शिक्क के मुताबिक चलें तो रास्ते में बीसियों रुकावटें आती हैं कोई चलने ही नहीं देता लेकिन अगर ऐसा मुआरह कायम हो जिसमें इस इंतज़ाम और अहतमाम से उसके पीछे चला जाए तो आपके रास्ते में कोई रुकावट ही बाकी ना रहे यह है अकामत सलात। बरादरा अजीज ये तमहीदी बात हुई और हमारा अंदाज़ तो ये है कि हम तो क़ुरान से हर चीज़ को लेते हैं लेना ही चाहिए हमारे लिए तो यही निशान राह है यही जबतई ज़िंदगी है यही हिदायत है सुनिए सलाद का लफ्ज़ कहाँ आता है इसके माने हुए खुदा के मुकर करदा कानून के मुताबिक जिंदगी के फ़रज़ अदा करना वो मनसबी फ़राज़ हयात जो खुदा के कानून ने मुकर्र किए हुए हैं यूँ बात हुई है देखिए कुरान कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है और किस तरह वो लफ्ज़ खुलकर पुकारता है कि यही माने हो सकते हैं जो हमने लिए हैं अलम तरा अन्हसबहू माफ समावत वलअर्द सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर चार और यहां तो वो यूसफ बूम तस्वीर का लफ्ज आ गया ज़रा आगे चलकर कर आएगी तो मैं अर्ज़ करूंगा कि ये तस्वीर क्या है सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर इकतालीस में कहा है कि क्या तुमने मैंने सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर इकतालीस क्या तुमने इस पर गौर किया पहली चीज़ तो यह है कि यह गौर करने की चीज़ है कि कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में जो कुछ भी है वो खुदा की तस्वीर कर रहा है मैंने अर्ज़ किया है कि अगर मैं तस्वी पर आ जाऊँगा तो सलाद के मानी व फाहिम बयान करने से दूर चला जाऊँगा तो ज़रा आगे चल कर ये लफ्ज आएगा तो फिर आप देखिएगा कि उस इस वक्त आ, सिर्फ इतना ही कह दूँ कि तस्वी के माने होते हैं किसी मकसद के हसूल के लिए पूरी पूरी जद्दोजहद करते चले जाना तस्वी कहते हैं घोड़े की उस चाल को जिसमें वह दोनों पाँव यूँ उठा कर लगाया करता है कि वो पूरी तो से जिस क़दर वसत उसके अंदर होती है उतनी लंबाई से वो पाँव फैला के दौड़ता है इसके लिए अरब लफ्ज़ तस्बी का लेते हैं कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो अपने फ़राज़ मंसबी के हसूल के लिए इस तरह पूरी तो सर्फ किए चली जाती हैं एक शहद की मक्खी को किसी सुई के ज़र्रे का सोवा हिस्सा जरा सा इसका जो वो निचोड़ होता है लेकर अपने छत्ते में फिर वापस आने के लिए एक दिन में सैंतीस हज़ार मील का सफर तय करना पड़ता है सैंतीस हज़ार मील का फ़ासला ये तस्वीर है और जिस रफ्तार से वो उड़ रही होती है वो तो आप जानते हैं ये बात आगे चल कर सुरह नहल में आएगी अभी तो यहाँ इतना ही कहकर गुजर जाता हूँ कुरान ने कहा है कि कुल क़द अलिमा सूरत नंबर चौबीस आय नंबर इकतालीस इनमें से कायनात की हर शे कुल हर शे क़द यकीनी बात है येमा जानती है किस चीज़ को सलात हो व तस्बी हू सलात हो व तस्बी है सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर इकतालीस कायन की हर शे अपनी अपनी सलात और तस्बी को जानती है गौर फरमा रहे हैं जान मन यहाँ भी तो सलाद का तर्जुमा नमाज़ कीजिए तस्बी का तर्जुमा व तस्बी जो हम फेरते हैं वो कीजिए फिर देखिए कि क्या मतलब वह मफो निकला मैंने अर्ज़ किया कि वो चीज़ आएगी जिसमें जिसे मैं नमाज़ कह रहा हूँ इसी के आखिर में आएगी लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि कुल क़द अलमा सलात हो व तस्बी हो सूरत नंबर चौबीस आयत नंबर इकतालीस इनमें से कायनात की हर शय अपनी अपनी सलात को अपनी अपनी तस्बी को जानती है और जिस तरह से वो जानती है वो तो आपको मालूम है वो है सरात मुस्तकीम के ऊपर चलने वाले वो कभी गलती नहीं करते इसलिए कि वो अपने रब के पीछे पीछे चले जा रहे होते यह है मुसली ये अपनी सलात को जानते हैं हुआ ये कि इनमें से हर शय अपनी उस मंजिल को भी जानती है जहां इसने पहुंचना है और रास्ते से भी वाकिफ़ है उस तगुताज से भी वाकिफ़ है इस निज़ाम से भी वाकिफ़ है इस प्रोग्राम से भी वाकिफ़ है जो उसने सर अंजाम देना है हर शय उनमें से जानती है ये सब कुछ है सलाद का लफ्ज़ यहां आया बरदरान अज़ीज़ दूसरी जगह क़ुरान करीम ने इंसानी ज़िंदगी के मुतल ये वाजह करके बता दिया है कि सलाद क्या है और जब सलाद को ज़ाया कर दिया जाता है तो इसके माने क्या होते हैं सुर मरियम में हजरात अम्बिया कराम का तस्करा जलीलिया चला आ रहा है ये सारा कुछ कहने के बाद कहा है कि ये वो हजरात थे जिन्होंने इस निज़ाम को कायम करके इसके दरशिंदा नतज से बता दिया कि जो हम कहते थे कि क़दर सच था फिर वह चले गए तो उसके बाद फलफा मदिम हलफन सूरत नंबर उन्नीस आयत नंबर उनसठ इनके बाद उन्हीं के नाम लेने वाले फिर ऐसे ना खलफ पैदा हुए क्या किया उन्होंने अदा उस सलाद सूरत नंबर उन्नीस आयत नंबर उनसठ उन्होंने सलाद को ज़ाया कर दिया क्या बात हुई मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान अपने मानी आप वाज करता है और इसका कोई ऐसा लफ्ज़ या तरकीब नहीं है जिसके इसमें मानी वहीं या किसी दूसरे मकाम पर खुद वाजह न किए हो उन्होंने सलाद को ज़ाया किया कुरान ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि हम खुद फैसला कर लें कि उन्होंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया कहा है कि उन्होंने सलाद को ज़ाया किया क्या किया उन्होंने कहा कि व तबाउ शहवात सूरत नंबर उन्नीस आयत नंबर उनसठ बजाय इसके कि कानून खुदाबंदी का इतबा करते वो अपनी अपनी मफाद परस्तियों के पीछे लग गए वो जो कॉन्ट्रडिक्शन तजाद से मैंने कहा था कि क़ुरान के अल्फाज कि मानी दो मुतजाद चीज़ों को सामने लाने से वाज होते हैं अकामत सलाद के बरक्स बात इतबा शहबात हुई जो ही अपनी अपनी मफाद परस्तियों के पीछे लगे सलाद ज़ाया होगी। जो ही हमने अपनी अपनी मफाद परस्तियों को छोड़कर कवानी ने खुदाबंदी का दिया हुआ जो निज़ाम है उसके पीछे पीछे चले सलाद कायम हो गई ये इतबा शहबात और अकामत सलाद दो मतजाद चीज़ और यही तो सारी बुनियाद है गलत बुनियादों पे उठा हुआ मुआरा होता क्या है इसमें हर फर्द अपने अपने मफाद के पीछे हर ग्रोह अपने अपने मफाद के गिर्द, हर पार्टी अपने अपने, अपने मफाद के पीछे और जरा बड़ी बुलंद इंटरनेशनल बैन अवी सतह पर नेशन कौम अपने अपने मफाद के पीछे होती है और निजाम खुदाबंदी वह है जिसके लिए कहा है कि व मा व अम्मा माफो फयम तफफ़ी नंबर तेरह आयत नंबर सत्रह सिर्फ उसी चीज की बका के लिए कहा है जो अपनी जो पूरी इंसानियत के लिए मुनाफा बख्श होगी बस ये निजाम कायम कीजिए सलाद कायम हो गई बरदरान अजीज पूरी इंसानियत के लिए नफा बख्श उनका निज़ाम होगा अब इसमें इतबाई शहवात ना रहा यह निजाम कायम कैसे होता है नमाज तो आप जानते हैं कि दुनिया की हर हुकूमत के मातहत पढ़ी जाती है अंग्रेजों के ज़माने में भी थी इस ज़माने की तारीख में हमने बचपन में कुछ पढ़ा है कि कैसे अंग्रेज़ों की और कई अकबर आबादी के तो कई एक शेर इस पर मौजूद है ये कुछ पढ़ा करते हैं है। इकबाल ने भी इस बात नादा ये समझता है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त नादा ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद और बचता है फ़क़त चर्च में इतवार को घंटा संगखों की सदा गूँजती है रोज़ बराबर हुकूमत ने तुमको आज़ादियाँ दी हैं नमाज पढ़ो तो ये तो होता था ये हर निज़ाम के ताबे पढ़ी जा सकती है और अब तो इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई चार मुसलमान इकट्ठे हों अकेला हो तो वो भी पढ़ लेता है ये आपकी आसान तरीन चीज़ है कभी किसी ने इससे नहीं रोका लेकिन आप देखिए कि कुरान सलाद किसको कहता है हज़रत मूसा मूसलम तूर की चोटियों पर तशरीफ ले गए और पहली दफ़ा वहाँ उनसे ये कहा गया कि मूसा देखो अना अख्तर तुका। अना, अना अख्तर तुका सूरत नंबर बीस नंबर तेरह मैंने तुझे एक बड़े अजीम प्रोग्राम के लिए चुन लिया है तमाम इंसानी से तुझे मुंतखब किया है और एक प्रोग्राम है इसके लिए मैंने तुझे चुन लिया है सोचिए खुदा एक शख्स को चुन रहा है जिसे चुन रहा है वो अब तक साहिब जरब कलीम के तारुफ से मुतारफ है एक उलोल नबी को चुन रहा है कह रहा है कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है काम यह है कि पहले तो ये समझो कि इन ननी अन्ला मैं ही हूँ साहिब अकतदार कुरान का बलागत का अंदाज़ है देखा है आपने यहाँ इन ननी कहा है यानी हम अदालत के ऊपर बैठा हुआ जज हमेशा अपने आप को हम कहता है इस मकाम के ऊपर हम कहा है गौर करें क्या कहा है जहाँ ये कहा था कि उन बेकस बंदों से कह दीजिए कि घबराएं नहीं वहाँ कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ क्या फ़र्क करता चला जा रहा है कहा कि अन्ल्ला सूरत नंबर बीस आयत नंबर चौदह मैं ही हूँ साहिब इकतदार ला इलाहा इल्ला अना मेरे सिवा कोई और नहीं सूरत नंबर बीस आयत नंबर चौदह जिसकी अतात और महकूमियत इख्तियार की जाए सुन रहे हैं क्या पैगाम मिल रहे हैं कहा कि फाबुदूनी सूरत नंबर बीस आयत नंबर चौदह इसलिए सिर्फ मेरी महकूमियत इख्तियार करो किसी और की महकूमियत इख्तियार ना करो और इसके लिए कहा कि वह अकीम सलात वह सलातिक्रूरत नंबर बीस आयत नंबर चौदह मेरे शर्फ को बुलंद करने के लिए अकामत सलाद का फरीजा है जो तुम्हारे जिम्मे लगा रखा है ये प्रोग्राम है जिसको तुमने इस्टैब्लिश कायम करना है सुनिए ने मन आगे अकीम सलाद के बाद कहा है कि आता आत आती नंबर बीस आयत नंबर पंद्रह आता आतीफीफा तो फीहा वह इनकलाब अजीम अब आने वाला है जिसको हम चाहते हैं कि जो इस वक्त तक जेर जमीन अंदर अंदर चल रहा था अब वो उभर कर सामने आ जाए जाओ अकामत सलाद करो और वह इनकलाब उभर कर सामने आ जाएगा इस हबरू तओ फिर तरफ उसने बड़ी सरकशी अख्तियार कर रखी है दुनिया के सरकश क़वतों के सामने जाकर उनके निज़ाम को उलट कर उसकी जगह कवानीन खुदाबंदी के निजाम का क्याम ही अकामत सलात है तो राजा अजीज़ गौर फरमाया आपने आप किस मकाम पर कुरान सलाद का लफ्ज ला रहा है जी नहीं चाहता कि लफ्ज़ सामने आ गया है तो यूं ही गुजर जाऊँ क्या बात है कुरान की यहाँ तो कैफियत यह है कि वो अल्लाह अकबर महबूब के तो हुसन की कैफियत यह है कि सर से पांव तक जहां भी जाकर निगाह टिकती है वो वहीं पकड़ कर बैठ जाती है कि आगे ना जाना हकीकत में यही मकाम है कुरान तो कहता है, यह है कि इन आतियतुन अकादु अकाद इस एक आयत को ही लें तो बिरदरा नज़ीज़ कितने दर्स आ जाए क्या बात कह गया है कुरान के इनकलाबाद यूं ही शबा शब नहीं आया करते रातों रात नहीं आया करते पहले वो अंदर ही अंदर चलते हैं वो महसूस नहीं होते फिर एक वक्त आ जाता है कि जिसमें वो मशहूद शक्ल में दुनिया के सामने आते हैं दुनिया उस वक्त इनकलाब को देखती है तो कहा कि हम बहुत पहले से देख रहे थे क्या अकादो उ अब हम चाहते ये हैं कि जो गैर महसूस तौर पर हो रहा था एक महकूम कौम के कल्ब के अंदर जलातुम खैज़ियाँ बरपा हो रही थी हम चाहते हैं कि अब वो उभर कर सामने आ जाए तो जाओ कायम करो लितुजा कुल्ल नफसे बिमा तस आ सूरत नंबर बीस है इनकलाब क्या था बिरादर ने अजीज कहा है कि इनकलाब ये बर्पा करो कि हर फर्द को उसकी मेहनत का सिला मिल जाया करे फिरौनियत क्या है दानाई मी खौरद, आ हासिल साल भर के लिए मेहनत करता हुआ यह मर जाता है बटाई कोई और ले जाता है कुल्ल बिमा तस् हर फर्द को इसकी कोशिश का सिला मिल जाए देखते हैं। अजान मन क़ुरान बहर मैं तो बात ये कह रहा था कि एक उलम पैगम्बर से अकामत सलात कहाँ कही गई है इस मकसद के लिए चुना जाता है कहा जाता है कि जाओ फिरौन की तरफ बड़ा सरकश हो गया है वहाँ जाकर अकात सलात करो ताकि वो इनकलाब जो ग़ैर महसूस तौर पर नीचे ही नीचे चल रहा था उभर कर सामने आ जाए और इसका नतीजा ये निकले कि हर फर्द को उसकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिल जाए ये है मफहम अकामत सलाद का और आगे सुन लीजिए राना अज़ीज़ सलाद के दायरा कार के मतल मैं ये कह रहा था कि वो मस्जिद की चार दीवार के अंदर महदूद नहीं है हज़रत मूसम ही के हम असर एक और पैगम्बर हज़रत शुब्ल कौम मदीन की तरफ आए हैं क़ौ मदीन के मुतल कुरान ने कहा है कि इनका माशी निज़ाम बड़ा नाहमवार हो गया था ये बुनियादी खराबी बताई है उस कौम की जिस तरफ पैगम्बर शुयब गए थे ऐसा नज़र आता है जिस अंदाज से कुरान ने बात कही है इस कौम ने उनकी बड़ी मुखालफत की उन्होंने पूछा होगा कि तुम क्या चाहते हो तुरा ने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ़ सलाद की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त क्या लेनी फ़्रीडम आज़ादी चाहता हूँ सलाद की आज़ादी चाहता हूँ ये हमारे ही जैसे होंगे उन्होंने कहा कि हमारा क्या जाएगा पढ़ लिया करो कोई हर्ज नहीं है उन्होंने सलाद शुरू की तो कौम आकर पूछती है कि शुएब तूने तो हमसे सलाद की आज़ादी मांगी थी उन्होंने कहा ठीक है कहा कि असला का तमुर का सूरत नंबर ग्यारह नंबर सत्तासी क्या तेरी जो सलात है वो तुम्हें इस बात का हुक्म दे रही है कि अन न को मायाब्दु आबाउना सूरत नंबर ग्यारह नंबर सत्तासी जो कुछ हमारे असलाफ करते चले आ रहे थे एक एक चीज़ को भी तुम गलत कह रहे हो ये वो भी छोड़ो ये भी छोड़ो ये सारे पुराने तरीक़े जो हमारे यहाँ चले आ रहे हैं क्या तुम्हारी ये सलात तुम्हें ये हुक्म देती है और तुम्हें यह कहती है कि अन नफ़ अल फ़ी अम वाले ना मा नशा उर्तम्बर ग्यारह आयत नंबर सत्तासी हम अपने माल व दौलत को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च ना करें लो भाई तो भाई अगर ये सलाद है तो ना बाबा इसकी इजाज़त नहीं है क़ुरान में ये है कि ए शुएब असल्लाम इस सलाद से बाज़ आ जाओ वरना गाँव से बाहर निकाल देंगे है ही ऐसी सलाद साहब क्या ये गाँव वाले इस सलाद को बर्दाश्त कर सकते थे ये तो नमाज है जिसको सब बर्दाश्त कर लेते हैं इस चीज़ से बिगड़ता क्या है बल्कि वो तो खुश होते हैं कि मस्त रखो जिक्रो फिक्रे सुबह गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में इसे अल्लाह अकबा सारी सारी रात बस ऐसे लगे रहें तस्वीर पढ़ते रहे पता ना हो कि क्या है शेब तुम्हारी सलात तुम्हें ये कह रही है अजैयान मन पढ़ा ही गौर तलब मकाम है यहाँ से पता चलता है कि सलाद क्या थी कि तुम्हारी सलाद तुम्हें यह हुक्म दे रही है कि हम अपने दौलत को भी अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक खर्च ना करें यह सलाद है उन्होंने कहा था कि नहीं भाई इसकी इजाज़त नहीं दी सक दी जा सकती अजानमन मुवजा नमाज तो यह है जो मैंने अभी अर्ज़ किया था ये तो दुनिया की हर हकूमत में हर माशरे में हर मकाम पर पढ़ी जा सकती है सलाद के लिए ख़ास शर्त है शर्त क्या है फिर दोहरा दो कि नमाज तो हम हर महकूमी के ज़माने में पढ़ सकते हैं हर हुकूमत के अंदर पढ़ सकते हैं हर बातिल बातिलुआरे में पढ़ सकते हैं कुरान कहता है कि ये जो जमात उठी है वो यु मन अबिल गैब है वो इस निज़ाम को कायम करने वाली है जब ये जमात बर बरसर इकतदार आएगी तो अज़ीना एम मक् नाफिल अर्द सूरत नंबर बाईस आयत नंबर इकतालीस ये वो लोग हैं जब इन्हें इस ज़मीन में हुकूमत हासिल होगी तमक्न हासिल होगा तो फिर क्या करेंगे अब इसके बाद जहन में ये आता है कि ये बताया होगा कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये प्लान्स मंसूबे होंगे और ये फ़ौज होगी और ये कुछ भी होगा जो हमारे जहनों में है कहा है कि जब इनकी अपनी हुकूमत कायम होगी तो फिर क्या करेंगे अकाम सलात करेंगे तो ये अकामत सलात का बड़ा ख़ूबसूरत मामला है जिसको हम अगले दर्स में भी जारी रखेंगे इस वक्त इजाज़त दीजिए रबना तकबल मन्ना इन्ना का अंत व रहमतुल्लाहि व वक्